Today I will teach about rational number. Have you ever heard about rational number? Yes, sir. Stand up. What is a rational number? The numbers in the form of 3 by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 are known as rational numbers. Q is not equal to 0. Sit down. Rational number can be defined as a number in form of p upon q is called rational number, where q is not equal to 0. कोई नंबर p अपान q के फॉर्म में लिखा हुआ है और दोनों ही p और q दोनों ही अगर इंटीजर है, इंटीजर तो जानते ही होगे ना, इंटीजर का डिफिनेशन कौन बता सकता है? खड़ा हो जाओ, एक तुम तो बता लिए तुम्हारे अलावा, इंटीजर की डिफिनेशन आप कोई बता सकता है? नहीं, चलो अच्छा तो ही बताओ। Sit down. Numbers in the form of positive and negative is not enough, is not complete definition. All counting number with positive and negative sign, including zero. Zero is also an integer which has no charge, not positive, not negative. जितने भी काउंटिंग नंबर हैं पॉजिटिव साइन के साथ और नेगेटिव साइन के साथ और साथ ही साथ जीरो भी, सबको हम इंटीजर कहते हैं। जीरो पे कोई चार्ज नहीं होता, ना उसके साथ हम प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं, ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। इसके अलावा जितने भी इंटीजर हैं या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। तो इंटीजर क्या होता है तो समझ में आ गया होगा, p अपान q मतलब p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर ही होना चाहिए। बस एक कंडीशन और बच रही है कि q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। माइनस वन से लेके जहाँ तक भी लिख सकते हो लिख लो, प्लस वन से भी लेके जहाँ तक लिख सकते हो, इतना बड़ा नंबर ले सकते हो। और जो न्यूमरेटर होता है p, वो जीरो भी रहेगा तो चलेगा। p की वैल्यू अगर जीरो भी रहेगी तो हम उसको रेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन मैंने बता दिया। अब मैं कुछ एक नंबर लिख रहा हूँ, उसमें से कुछ नंबर होंगे जो रेशनल नंबर होंगे और कुछ होंगे जो रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो वन बाई वन मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि कौन रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तुम खड़े हो जाओ, इस नंबर इसको पढ़ो जो मैंने लिखा है, इसको पढ़ो क्या लिखा है। 5.3 5.3 नेशनल नंबर है कि नहीं है? Yes, है नेशनल नंबर, क्योंकि p और q इंटीजर है और q की वैल्यू जीरो नहीं है, नॉट जीरो है, इसलिए हम इसको नेशनल नंबर कहेंगे। बैठो तुम। हाँ, क्या लिखा हुआ है? वन रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है? नो सर। बैठ जाओ। किसको लगता है कि वन रेशनल नंबर है? कोई मानता है कि वन रेशनल नंबर है कि सब लोग मानते हैं कि वन रेशनल नंबर नहीं है? चलो तुम बताओ। नहीं, सिर्फ इतना बताओ कि वन रेशनल नंबर है या नहीं है। बैठो।
तुम yes, है कैसे क्योंकि इसमें वन को वन बाई वन ले सकते हैं और वन जीरो की कमी है। हाँ बढ़िया। कोई भी नंबर अगर लिखा गया है उसका डिनोमिनेटर अगर नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं कि उसका डिनोमिनेटर वन है। अगर डिनोमिनेटर के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं कि वहाँ पर वन लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको भी इरेशनल नंबर कहेंगे। सेकेंड बेंच का पहला पढ़ो इसको, इसके बारे में क्या कहना है, इसमें नंबर है कि नहीं है? नहीं। क्यों? डिनोमिनेटर जीरो है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जा रही है, तो जो डिफरेंशिएशन मैंने बताया रैशनल नंबर का वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे नॉट रैशनल नंबर। बढ़िया। तुम सेकेंड बेंच की फर्स्ट लड़की, हाँ जीरो बताओ, रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है? नहीं है। हर कोई मानता है या किसी को कुछ बदलाव करना है? हाँ चलो तुम है। कैसे? मान सकते हैं? नहीं है। जिसका डिनोमिनेटर नहीं लिखा होता है उसका डिनोमिनेटर वन होता है, मान सकते हैं कि बात नहीं है, होता ही है, इसलिए रैशनल नंबर है। बढ़िया। अब बैठो, तुम ही बैठो, लास्ट बेंच एक बिल्कुल। हाँ पढ़ो इसको, रैशनल नंबर है। बढ़िया। उसके बगल वाला क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है? कैसे? एट अपॉन वन होता है, इसलिए हम इसको इस नंबर कहेंगे। बढ़िया। तुम पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि नहीं है? कैसे? डिनोमिनेटर सेवन है क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है, और जो दूसरी कंडीशन रखी जाती है कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए वो भी यहाँ पे फॉलो हो रही है। सेवन है मतलब यह नॉन जीरो है, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे। ये मैंने रैशनल नंबर का डेफिनेशन बता दिया और कुछ एग्जाम्पल दे दिए, और एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सप्रेस माइनस थ्री बाई फाइव एज रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20 माइनस 30, 35 माइनस 40। जो यहाँ पे गिवन रैशनल नंबर है वो है माइनस थ्री बाई फाइव, सबको दिख रहा है? इसको हमको लिखना है, चार क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन में हमको इस तरह से लिखना है कि माइनस थ्री अपॉन 20 हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू हमको बढ़ानी है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? तुम लोगों ने तराजू तो देखा ही होगा, दोनों पल्ले बराबर होते हैं अगर बैलेंस, अगर उसमें कोई खराबी नहीं है तो उसको जब हम उठाएंगे तो दोनों पल्ले बराबर रहते हैं, और किसी एक पल्ले पे मान लो हम 500 ग्राम रख दे रहे हैं तो नीचे पहुंच जाएगा,
तो उसको फिर संतुलित करने के लिए हमको दूसरे तरफ भी 500 ग्राम रखना होगा, तभी तराजू या बैलेंस हमारा संतुलित रहेगा, है कि नहीं। तो रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या एक ही नंबर से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे जो हमको रेशनल नंबर दिया गया है वो -3/5 है और 5 को हमको बनाना है 20। तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो जाए, क्योंकि 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर 20 हो जाएगा, लेकिन जो दिया हुआ रेशनल नंबर है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ऐसा न होने पाए इसके लिए हम 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमको 20 मिल जाएगा और रेशनल नंबर की वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। -12/20 है ना, और यह 4 कहाँ से आया? हो सकता है यहाँ पे छोटा नंबर था दिमाग में, हो गया, बड़ा नंबर भी हो सकता था। तो ऐसी स्थिति में जो नंबर हमको लाना है उस नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, रफ साइड में से 20 हमको बनाना था, 20 को हमने 5 से डिवाइड किया, 64 में हमको 4 मिला, 4 से हमने पी और क्यू दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आ गया सबको? इसमें जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं वो कर लोगे? यस सर। किसी को पूछना है बाकी 3 में से कोई क्वेश्चन बोले? जो 3 क्वेश्चन बचे हैं फर्स्ट के उसमें से किसी को कुछ पूछना है कि कर लोगे अपने से? हाँ कर लोगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सप्रेस -42/98 एस रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। क्वेश्चन नंबर 2, हमको जो रेशनल नंबर दिया गया है वो -42/98 कितना है? 98। हमको जो रेशनल नंबर बनाना है उसका डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए। हमको पता है कि यहाँ पे 98 लिखा है और इसको 7 लाना है, तो इतना तो समझा जा सकता है कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। yes, sir. क्योंकि इसे छोटा नंबर लाना है। yes, अब एक क्वेश्चन पैदा होगा कि किस नंबर से डिवाइड करें? 14 कैसे आया? हाँ, 98 को 7 से डिवाइड करोगे रफ साइड में, हालांकि छोटा नंबर है दिमाग से भी कर सकते हो, बड़ा नंबर आने पर डिवाइड करके देख सकते हो रफ साइड में। 14 आएगा, 14 से इसको भी डिवाइड कर दो, 14 से इसको भी डिवाइड कर दो, तो हमको डिनोमिनेटर के स्थान पे 7 मिल जाएगा। -3/7 आसान क्वेश्चन था।